नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। इसके पहले मैंने एक ऑक्सिलरी का प्रॉब्लम आपको पढ़ाया था, आज मैं दूसरा प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूँ। ये मोस्टली इंजीनियरिंग ड्राइंग में आता है, किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में ये मशीन ड्राइंग में भी आ सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आपके यहाँ आपके सामने ये पार्ट है, ठीक है। इसका फ्रंट व्यू आपको ऐसे दिखने वाला है, ठीक है, ऐसे है। और फिर इसका जो साइड व्यू है वो ऐसे है। तो आपको क्या बोलेंगे, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, ये जो इंक्लाइन सरफेस है इसका क्या करना है, आपको ऑक्सिलरी व्यू निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि जो 2D में आपको दिया जाता है कि ये इसका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये फ्रंट व्यू है और ये दूसरा जो है ये इसका साइड व्यू है, तो इसका ऑक्सिलरी व्यू निकालो। तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो क्या करना है आपको, ये जो सर्कल है, ये सर्कल को क्या करना है, 8 पार्ट में डिवाइड करना है। 6 पार्ट में डिवाइड करो, फिर इसके प्रोजेक्शन लेके जाओ। तो अभी इसको आप देखोगे कैसे, 3D में इमेजिन कैसे करना है, देखो। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे ये जो लुक एट का बटन है इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। लुक एट का बटन क्लिक करने के बाद आपको एग्जैक्ट वो क्या होगा, आपके सामने ऑक्सिलरी व्यू दिखेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये वाला पोर्शन निकालना है और फिर ये छोटा वाला सर्कल निकालना है। ऐसे आपको ये क्या होगा और यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है देखो, अगर मैं इसको ड्राइंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ड्राइंग में फॉर्म डिज़ाइन में जाता हूँ। यहाँ पे जो भी शीट साइज़ रहेगा वो शीट साइज़ सिलेक्ट कर लूँगा। शीट साइज़ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा जो बेस व्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा एक जो भी कुछ बेस व्यू है वहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्रोजेक्टेड व्यू में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से क्लिक करके इसका जो प्रोजेक्टेड व्यू है वो मैंने यहाँ पे लिया। अभी मुझे क्या करना है, ऑक्सिलरी व्यू निकालना है उसका। तो क्रिएट में जाऊँगा, यहाँ पे ऑक्सिलरी व्यू पे क्लिक करूँगा। ऑक्सिलरी व्यू पे क्लिक करने के बाद जो इंक्लाइन सरफेस है मेरा उसको क्लिक कर दूँगा और क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे क्लिक कर दूँगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेरेंट ये 3 डॉट जो दिख रहे हैं यहाँ पे जाऊँगा और 1:1 के ऊपर क्लिक कर दूँगा। 1:2 ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको रख दूँगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो ऑक्सिलरी व्यू है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो ये मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ये फ्यूजन 360 है, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो मैंने बस आपको इमेजिनेशन के लिए बनाया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको इमेजिनेशन का प्रॉब्लम आता है। देखो वो ऐसे, ये पार्ट आपका क्या होगा, विद डॉटेड लाइन में ऐसे दिखेगा वो। यहाँ पे ये बड़ा सर्कल, यहाँ पे ये छोटा सर्कल और ये डॉटेड वाला पोर्शन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।